प्रिय दोस्तों, हास्य रस की परिभाषा और उनके उदाहरण। जब किसी विचित्र स्थितियों या परिस्थितियों के कारण हास्य की उत्पत्ति होती है या हंसना आता है, उसे ही हास्य रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव हास होता है। हास्य एक ऐसी पूंजी है जो हंसने वाले को तो स्वस्थ बनाती ही या इसके अंतर्गत वेशभूषा, वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, उससे हास की उत्पत्ति होती है। इसे ही हास्य रस कहते हैं। यह सबके जीवन में बहुत ही आवश्यक है। इसके निम्न उदाहरण हैं जो इस प्रकार हैं। जहां न सोचा था कभी, वहीं दिया दिल खोए। ज्यों मंदिर के द्वार से जूता चोरी होए। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा। बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। ठंडा बिल्कुल व्यर्थ है, जैसे ठंडा सूप। जुबान जले उबला पिए, ऐसा तेरा रूप। फल गुड़ मेवा दूध की गए घटक भगवान। फौरन पत्थर हो गए, मांगा जब वरदान। सिक्के यूं मत फेंकिए, प्रभु पर हे जजमान। 100 का नोट चढ़ाए, तब होगा कल्याण। चीटे न चाटते, मुसे न सूंघते, बांस में माछी न आवत नेरे। आनी धरे जब से घर में, तब से रहे हैजा परोसिन घेरे। माटीहू में कछु स्वाद मिले, इन्हें खात सो ढूढ़ा थारर बहेरे। चौकी परो पितुलोक में बाप, सो आपके देखी सराद के पेरे। विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत थारी, महाबिनु नारी दुखारे। गौतम तिया तरी तुलसी, सो कथा सुनी भी मुनिवृंद सुखारे। वह सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद मंजुल कंच तिहारे। कीन्ही भली रघुनायक, जूजो कृपा करी कानन को पगुधारे। अगर हमारी यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को दबाएं।